सुबह 27 सितंबर 2019 को हाजी यानी डे नाइट अस्पताल में जहूर अहमद सेहतमंद फाउंडेशन के जेर एहतमाम 12वां दो रोज़ा सेहतमंद कैंप लगाया गया, जिसमें जहूर अहमद सेहतमंद फाउंडेशन के तआवुन से सर्जन डॉक्टर अशरफ गनात्रा कटे होंठ कटे तालू का मुफ्त ऑपरेशन किया और मरीजों में खाना और मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। कैंप का बाकायदा अफ्तिताह डॉक्टर अशरफ गनात्रा, आजम चौहान और दीगर ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर NS न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर सर्जन अशरफ गनात्रा, आजम चौहान, डॉक्टर इकबाल हारून मेमन और दीगर का कहना था कि कटा हुआ होंठ कटा हुआ तालू है वो पैदाइशी नुक्स है, और पैदाइशी नुक्स का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस बीमारी के साथ पैदा होता है, जिसमें होंठ भी कटा होता है, मुसुड़ा भी कटा होता है और तालू भी कटा होता है। बाद बच्चे पैदा होते हैं जिसमें सिर्फ होंठ कटा होता है, बाद बच्चे पैदा होते हैं जिसमें सिर्फ तालू कटा होता है। ज़्यादातर ये आम ख्याल है कि ये चांद ग्रहण सूरज ग्रहण की वजह से होता है, जिसका कोई भी ताल्लुक चांद ग्रहण सूरज ग्रहण से नहीं है, और इस बीमारी का कोई भी ताल्लुक आसेब से नहीं है, इस बीमारी का कोई भी ताल्लुक माँ के मनहूस होने से नहीं है, इस बीमारी का कोई भी ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है, सिवाय इसके कि अगर माँ के अंदर पहले 3 माह में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो कटा हुआ होंठ कटा हुआ तालू हो सकता है। इसलिए जो कोई भी माँ हामला हो उसको फॉलिक एसिड देनी चाहिए। दूसरी जो इसकी वजह है वो ख़ानदान में शादियाँ हैं, कज़न मैरिजेस इसकी एक अच्छी बड़ी वजह है जो जिसकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा तापकारी शुआएँ हैं वो कटा हुआ होंठ कटा हुआ तालू कर सकती हैं, माँ का सिगरेट पीना कर सकता है, बाप की एज बड़ी है वो कर सकता है, तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कटा हुआ होंठ कटा हुआ तालू कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं? कटे होंठ कटे तालू का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, कि बच्चा इन्फीरियर एहसास कमतरी का शिकार होता है और ज़िंदगी में सही परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा इसका प्रॉब्लम होता है आवाज़ का, बच्चे की आवाज़ सही डेवलप नहीं होती अगर तालू का ऑपरेशन सही नहीं होता, तो बच्चा नाक से बोलता है और फिर एहसास कमतरी का शिकार होता है, और बाद दफ़ा बच्चों के कान के पर्दे फट जाते हैं, वो सुनते कम है, बाद दफ़ा सांस के मसले हो सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी की टाइमिंग्स हैं कटा होंठ 3 माह के बाद, कटा तालू 9 महीने से 18 महीने में, और कटे हुए मसूड़े 9 से 8 से 11 साल में होने चाहिए। और इसकी सर्जरी का जो ताल्लुक है वो प्लास्टिक सर्जन से है, और तमाम प्लास्टिक सर्जन पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो कटे होंठ कटे तालू की सर्जरी करते हैं। ऐसे मरीज़ों को फॉलोअप 18 से 19 साल तक होना चाहिए, ताकि वो माशरे में हम ये देख सकें कि माशरे में सही परफॉर्म कर रहे हैं। ज़हूर अख्तर सेहतमंद फाउंडेशन, आज हम हाजाने डे नाइट में कटे हुए होंठ और कटे हुए तालू के बच्चों का कैंप लगा रहे हैं, सर्जिकल कैंप। इसमें हमारी कराची से डॉक्टर अशरफ गनात्रा साहब की पूरी टीम आती है जो यहाँ हाजाने डे नाइट में उनके ऑपरेट करते हैं। इसमें पूरे अधूरे सिंध से, शहर से, दादू लाड़काना थर से बहुत लोग आते हैं इसके अंदर, और आप ये देखें कि जिन बच्चों के कटे हुए होंठ होते हैं वो मुस्करा भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते, उनसे पूरा चेहरे से निकल जाता है, और जिनके तालू कटे हुए होते हैं वो बोल नहीं पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम तकरीबन 8 साल से ये कैंप लगा रहे हैं, ये हमारा 8वां कैंप है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर साल 40 से 50 मरीज़ों का इसमें ऑपरेशन होता है। ये एक बहुत महंगा ऑपरेशन है, कराची अगर आप जाएँ तो 1.5 से 2 लाख रुपये एक मरीज़ पर खर्च होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजियानी में इनको बिल्कुल फ्री सर्जिकल इनका किया जाता है, खाना भी फ्री दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हदीस मुबारक है, अफजलुल अशगाल खिदमतुन्नास, ईमान लाने के बाद अफजल तर नेकी मखलूक की खिदमत है। तो ये अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है उनको सबको चाहिए कि वह आगे बढ़कर जो अल्लाह ताला की जो मखलूक है, जो गरीब है, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, वरना इस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है ना इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा है। तो मेरा पैगाम सबके लिए है कि जिसके पास जो अल्लाह ताला ने ताकत दी आगे बढ़ के, चाहे एक आदमी की खिदमत करें या 1000 आदमी की खिदमत करें, हमें आगे बढ़कर अपने माशरे के महरूम तबकात की खिदमत करनी चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 46वां कैंप है, और ये सर्जिकल कैंप है। एक तो मेडिकल कैंप होता है, सर्जिकल कैंप में ये होता है कि मरीज़ को स्क्रूटिंग करना, फिट करना, उसके बाद उसका एग्जामिन कराना, ऑपरेशन करना, बेहोश करना। ये कैंप ज़रूर है लेकिन ये हॉस्पिटल बेस्ड कैंप है, इसको आप कैंप नहीं कह सकते, लेकिन कैंप का मतलब फ्री तो लोग आते हैं, इसलिए हम इसको मजबूरी कैंप कहते हैं। आप देखेंगे फुल फ्लेज थिएटर ऊपर करते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से हाजानी रेन एंड हॉस्पिटल फ्री सर्जिकल कैंप का इनका कर रही है, और ये हमारा 46th कैंप है। हम रोज साल में 4 या 5 सर्जिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें पित्त की पथरी जो बड़ा महंगा ऑपरेशन है, डॉक्टर पुष्पा श्रीचंद वो गायनी का ऑपरेशन करती हैं, गणेश सुब्रो साहब करते हैं, इसके अलावा आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर मोहसिन इकबाल करते हैं, और ये आज देखें कटे होंठ कटे तालू का अशरफ गनात्रा साहब हैं। ये अशरफ गनात्रा साहब का मुसलसल 12वां कैंप है, ये 12 साल से मुसलसल ये कैंप के लिए आ रहे हैं कराची से पूरी टीम के साथ,
पूरी टीम बमाए शाह जो सामान दिए एनएसडी भी इनका होता है 12 लोग आते हैं यहाँ रुकते हैं और एक पैसा नहीं लेते, बाकी अखराजात हम अपने फंड से पूरे करते हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इस कैंप में हम बगैर किसी जात पात नस्ल के बिला नस्ल हम सब की खिदमत इसी तरह देते हैं जो सबको देना चाहिए, हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है और अल्लाह इसको कबूल करे। भाई हमने यहाँ पर सुना था कैंप लगेगा, कैंप यहाँ पर लगाए, हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर बहुत अच्छी सहूलत दी जा गई है, बहुत अच्छा पानी का इंतज़ाम है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे फैसिलिटी दी गई है और अल्लाह भला करे उन लोगों जिन्होंने ये कैंप लगाया, सहूलत दी है, ये यहीं घर बैठे काम हो रहे हैं सबके, अल्लाह इनको खुश रखे, बहुत खुश रखे इनको जिन्होंने भी ये करा है। हम इस सुमा में कैमरा मैन नुमान शाह के साथ राहिल शाह, NS News हैदराबाद।